थाना क्षेत्र अंतर्गत बांसघाट से है, जहां एक दुकान को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। भाइयों के बीच हुई मारपीट से आसपास हड़कंप मच गया। दुकानदारों ने अपनी दुकान बंद कर दी। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया और सभी को थाना लेकर आई। बताया जाता है कि एक दुकान है जिसमें एक भाई ने कब्जा कर रखा है, जबकि दो भाई विरोध कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं पूरी घटना और सुनते हैं पूरे मामले को लेकर भाइयों का क्या कहना है। हमारा बीला विश्वकर्मा नाम है। ये विवाह किस चीज का बताइए? दुकान मांगी थे हम और कुछ नहीं है, हिस्सा दो हिस्सा हूँ ले रहा है। हम अपने आदमी के हिस्सा मांगी थी, ससुर के हिस्सा मांगी थे। ससुर के बाद लड़का के होत है हक है। ससुर के कितने बच्चे थे? तीन जनी बड़े हम आहन फिर माजिल देवर आए फिर ये छोट देवर आए है। तो कौन गुनाह करी थे हम तो हाँ नहीं ले चाहे तक कब कब्जा हमारे ससुर का देवर के लड़का। तीन तीन अपना मन हमन वो का ले जांच कर ले। कितने लोगों के हिस्से में तीन दुकानें हैं? तीन जन के। तीन जन के का नाम है? गोविंद अल्लाह है अजय राम जयराम हमारा पति आई। कब्जा नहीं देता है कि हम बनवान है तो बड़ा कमात है कि छोटा कमात पहले है। वाह लल्लन लल्लन का ना होकर अब शेख विश्वकर्मा होकर भतीज का नाम है देवर के लड़का के। लल्लन लल्लन कहा था का नाम है विष्णु कुमार। जो एक दुकान आपके हिस्से में है वो आपको नहीं है? हाँ नहीं, हाँ ओता ही हमका सहायक चाहिए, हमका कुछ नहीं चाहिए। दो हिस्सा के लाइए वो चाहे लाए रहा चाहे दे हमका ना चाहिए। हाँ अकेले कब्जा का है बहुत दिनों से पड़ुआ साल ऐसे करें तो ऐसे पीठ भगा बढ़ रहे हैं असमव करें। हम रड़ मेहरिया कहाँ जाए कमाए हैं हमहू का भूखी लागी पर्दा पहिराब जिए जंगर परिया तो दवाई चाही पर सल लोग मार गया तो दवाई कराएन है। अब भीतर रहन तो कहीं निकल हाथ तोड़ दी नील चूड़ी फोड़ दी पकड़ी थे। उर्मिला विश्वकर्मा कब्जा हमने किया नहीं है, वो बब्बा हमारे हमें दे के गए हैं इसलिए हम उसको चला रहे हैं और आज से नहीं करीब 40 साल से चला रहे। पहले पापा चला रहे थे अब हम चला रहे हैं। अब बीच में आके इन लोग अवैध रूप से कश्मीर आके कब्जा करेंगे तो क्या करेंगे सर हम लोग? उनका ये कहना है कि तीन हिस्से हैं। अरे तीन मेरे बच्चे खुद ही हैं सर, मेरे तीन हिस्से हैं तो तीन हिस्सा ये थोड़ी है कि उनके नाम से करके गए हैं। उसमें ये चल रहा है जब सिविल में कोर्ट में चल रहा आदेश के लिए तो क्यों ये परेशान करते बीच में आकर? चलती दुकान बंद करवा देते हैं, अभी बताइए दुकान कितने दिन बंद रहेगी? क्या करेंगे हम उसके लिए? जिनका काम रखा वो परेशान होंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? हमारा नाम शेख विश्वकर्मा। हाँ न्यायालय में इसका प्रकरण चल रहा है तो ये अवैध रूप से आके कब्जा करने की कर रहे हैं ना।
कोर्ट से जब आदेश लेके आए हैं कि हम मानते हैं कि हाँ इनको अगर मिलना चाहिए तो कोर्ट से ना मिलेगा कि हम दे देंगे, हमारा कब्जा है तो हमारा ही रहेगा। जबरदस्ती के लिए आते हैं, देखिए लड़ाई करते हैं, लेडीजों को लेके आएंगे, हमें तो छू मालूम है क्या कह दिएगा कि अगर छू दिए ना तो आपको कपड़ा फाड़ के ले जाके थाने में FIR डलवा देंगे। अपने मतलब हमारी भाभी को लेके, बड़ी मम्मी को लेके आएगा, वो साली उनको भी लेके चले आए जो रिश्तेदार हैं, उनको भी वो भी मतलब आई थी उनको वो करवाने के लिए। हम तो दुकान से बाहर बैठे थे, पूछ लीजिए पड़ोसियों से कहाँ जाके बैठे थे, हम ये सोच रहे थे कुछ हमारे नाम से जाके लिखवा ना दे थाने पे। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगड़ाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र 150 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगड़ाल में 1800 से 4000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है 525 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगड़ाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोरहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9969316257 8962758722 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।